नमस्कार दोस्तों, जैसा हम लोग चाह रहे थे दोस्तों वैसा हो चुका है। GTL इंफ्रा हमारे रेंज में आ चुका है। जो हम लोग अपना जो है रेंज ड्रॉ करके रखे थे उस रेंज में ये जो है बिल्कुल आ चुका है। अब इस रेंज में हम लोगों को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, बस ये अब हम लोगों को डिसाइड करना है। क्योंकि पहले था कि मोमेंटम आएगा, रेजिस्टेंस लेगा, गिरावट आएगी, गिरावट आ रही है, आ चुकी है गिरावट भी, और रेंज में आ भी चुका है। बस इसको अभी देखिए, अभी कितना पे ट्रेड करा है, इसका करेंट मार्केट प्राइस देखिए 3 रुपये 53 पैसे पे ट्रेड करा। आज इसमें पहले कितना इक्विटी से ट्रेड हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। 5% का लोअर सर्किट लगा है, ये तो कंफर्म है। हालांकि सुबह से ही मेरे हिसाब से लगा है, देखना पड़ेगा। हाँ, सुबह से ही लगा है, ट्रेडिंग नहीं हुई। उसके बाद आज देखेंगे तो फिर भी आज देखिए, कल भी 3 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हो गया था। आज लोअर सर्किट के बावजूद आज फिर से जो है 3 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हो गया। यहाँ पे 3 करोड़ इक्विटी शेयर आज भी ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू देखिए अब कितना आ रही है, 10.5 करोड़ रुपये। और आप लोगों को मैं पहले कितना कितना दिखाता था, 10-10 करोड़ के तो एक एक लार्ज डील में दिखाता था, जब इसमें 40 करोड़ 45 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होता था। तो देखिए नहीं है वही, अब कोई शेयर होल्डर 3 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें खरीद रहा है, लार्ज डील में, बल्क डील में खरीद रहा है, तो इसका मतलब वो एक दिन का पूरा ट्रेडिंग जो है कंट्रोल कर देगा। समझ रहे हो? बस यही था कि पहले ज़्यादा वॉल्यूम इसमें ट्रेड होता था। ये वाले लेवल पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए 30 करोड़ तो इसका एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, मतलब 1 हफ्ते का, और 27 करोड़ एवरेज वॉल्यूम इसका आ रहा है 1 महीने का। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से भी देखेंगे आ जाएगा। अब इसमें भी देखिए, अभी 8 जुलाई को देखिए 46 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, उसके पहले 35 करोड़, 12 करोड़, 28 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़, 50 करोड़ तक भी हुआ था, 41 करोड़ तक हुआ था, यहाँ पे 50 करोड़ था। तो जब बड़ा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होता था ना, तो हम लोग छोटे वाले वॉल्यूम को भूल जाते हैं कि 3 करोड़ बेस में कभी ट्रेड होता है। तो अगर 3 करोड़ अगर कोई क्षमता है किसी को खरीदने के लिए, तो वो 1 मिनट में जाएगा तो अपर सर्किट से लोअर सर्किट कर देगा, भले उसके बाद फिर से रिवर्स हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि वो है 100 है तो उस पर 1.25 शेयर भी है ना, शेयर है तो उसी तरह से आज कोई लार्ज डील नहीं है। आज देखिए केवल 7 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ये एक सबसे बड़ा 25 लाख का लार्ज डील आज हुआ है। अब देखिए डिसाइड बस यही करना है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना, और इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, इसका कंफर्मेशन या तो उधर निफ्टी दे दे, निफ्टी के भरोसे पे भी हम लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं निफ्टी पे के भरोसे पे ही कई सारे शेयर को खरीदता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा शेयर सपोर्ट पे आ चुका है, और मुझे उधर दिख रहा है कि निफ्टी भागने वाला है, बिल्कुल सपोर्ट पे निफ्टी भी आ चुका है, क्योंकि आज निफ्टी में भी 1% की गिरावट आई है ना, उस वजह से 0.5%, चलिए क्लोज होते होते रिकवरी कर गया निफ्टी में 0.5% की, बैंक निफ्टी में 0.7%, निफ्टी IT में भी 1%। हालांकि दोपहर के टाइम में 1% डाउन था निफ्टी, पूरा पूरा 0.5% मतलब रिकवर करके क्लोज किया है। तो अगर उधर से भी इंडिकेशन मिलेगा तो उसको भी मैं, क्योंकि मार्केट सबसे मेन चीज़ है ना, आज अगर देखोगे ना तो आपको मैक्स टू मैक्स शेयर जो दिखेंगे ना वो लॉस में ही दिखेंगे, या फिर जब 1% डाउन था ना तो लगभग लगभग कह लें कि निफ्टी के तो 47 शेयर निगेटिव थे, केवल 3 शेयर पॉजिटिव थे। बस इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग लगभग इसको कह लें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर, ठीक है ना, निगेटिव में थे। 47 का दुना करेंगे तो हम कितना आएगा, वहाँ पे आ जाएगा लगभग वही आ जाएगा 90-94%। तो 94% शेयर निगेटिव में थे, इसको इस तरह से समझिए, ठीक है ना। तो आज ठीक है आ चुका है, अब एक दिन और लोअर सर्किट तो मेरे हिसाब से लगना ही चाहिए इसमें, और कल भी मार्केट थोड़ा बहुत और निगेटिव रहेगा ही रहेगा मेरे हिसाब से, देखते हैं। 3 रुपये 25 पैसे तक हम लोग इंतजार करेंगे, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो दो ये 3 रुपये 60 पैसे के ऊपर पकड़ने की कोशिश करेंगे। बस ये ना करें कि यहीं से फिर से भाग जाए, फिर दिक्कत हो जाएगा, इंतजार करते रह जाएंगे। तो देख लीजिएगा, हालांकि अगर आपका व्यू है, देखिए रिक्सी ट्रेडर के लिए बताऊंगा, फिलहाल में अगर जो सेफ ट्रेडर हैं वो अलग रहेंगे, क्योंकि सेफ ट्रेडर का एक ही उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट हो ना हो मेरा लॉस नहीं होना चाहिए भाई। लेकिन कुछ लोग जो ऑप्शन वाले हैं, जो हीरो जीरो तक खेल लेते हैं, तो ये तो भाई हीरो जीरो से कहीं ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। कि अगर आप लोग 3 रुपये 50 पैसे पे इसको खरीदोगे तो ऐसा तो नहीं है कि 3 रुपये 50 पैसे आपका टोटल डूब जाएगा, भले ही शेयर वहाँ से गिर के 2.5 रुपये तक चला जाए, लेकिन आपका 3 रुपये का 3 रुपये टोटल नहीं डूबेगा, ये तो यहाँ पे लिखित है ना। लेकिन अगर 3 रुपये का उधर ऑप्शन आप लोग 10 रुपये का खरीदते हो, वो 10 मिनट में जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो उतने अगर रिक्सी ट्रेडर आप हैं तो फिर इसमें आप कल अगर 5% का लोअर सर्किट लगता है उस पर आप एंट्री कर लेंगे, स्टॉप लॉस वही वाला रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपये 85 पैसे के नीचे का या 75 पैसे के नीचे का, बड़ा स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 2.5 रुपये,
₹2 के नीचे नहीं जाना है, ठीक है ना। 2.85, देखिए लिख भी देता हूँ, 2 रुपये 85 पैसे जो ये वाली लाइन है हम लोगों की, और 2 रुपये 45 पैसे है जो ये वाली लाइन है। और कहाँ पे खरीदारी करना है, कल अगर लोअर सर्किल लगेगा तो लगभग लगभग यहाँ तक तो आ ही जाएगा, मतलब 3 रुपये 36 37 पैसे तक आ ही जाएगा, 40 पैसे तक तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, लेकिन वही अगर ऑप्शन जितना अगर आपके रिस्क लेने की क्षमता है तो अपने हिसाब बड़ी क्वांटिटी खरीदिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं पूरा पैसा झोंक दें ऐसा वैसा, तो खरीदारी करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है अपनी एनालिसिस पे कि ये फिर से जो है ऊपर जाएगा, ठीक है ना, जाएगा ही जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, देखेंगे, और जो भी अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से, ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आया है, आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा सभी लोग वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और ये वाला रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे जो मैं लगाया हूँ ना, इसी का हम लोगों को पालन करना है, ये जो मैं लगाया हूँ ना इसी का हम लोगों को यहाँ पे पालन करना है। देखिए इस तरह से लगाया हूँ, यहाँ पे खरीदेंगे, 3 रुपये 35 पैसे के आसपास खरीदारी करेंगे हम लोग, और उसके बाद 2 रुपये 85 पैसे का स्टॉप लॉस, और 4 रुपये 75 पैसे, 4 रुपये 50 मिल जाए, 5 रुपया मिल जाए, 5.25 रुपया मिल जाए, ये हमारे तकदीर के ऊपर है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।